80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली हीरोइन फराह नाज ने कई हिट फिल्में दी, लेकिन करियर के पीक पर शादी करके वो अचानक ही फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं। फराह अपने दौर की शॉर्ट टेम्पर्ड अग्रेसिव एक्ट्रेस मानी जाती थी। वो कब किसे पीट दें या फिर किस पर हाथ उठा दें, ये कहना मुश्किल था। इन्हीं एक्टिविटीज के चलते फराह नाज 80 के दशक की सबसे विवादित एक्ट्रेसेस में से एक थी, लेकिन आज ये अभिनेत्री इंडस्ट्री से दूर हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आज ये अभिनेत्री कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और फराह नाज के बारे में कुछ अनसुनी और अनकही बातें जानते हैं। 90 के दशक पर राज करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री फराह नाज का जन्म 9 दिसंबर 1986 को हैदराबाद में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से पूरी हुई। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो आपको बता दें, इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था, जहां पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई कर साल 1985 में फासले फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने बतौर सहायक अभिनेत्री काम किया था और अपने इस किरदार को काफी अच्छे से निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद इनके अभिनय को देखते हुए कई निर्माता और निर्देशकों ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर दिए, जिनमें फिल्म नसीब अपना अपना, यतीम, घर घर की कहानी और पाले खान जैसी कई फिल्मों में काम करने का इन्हें मौका मिला, जिनमें इन्होंने राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त, गोविंदा, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। इन्हीं कुछ फिल्मों को करके ये बॉलीवुड में छा गई थी, पर जब ये अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर थी तब इन्होंने अभिनेता विंदु दारा सिंह से साल 1996 में शादी कर ली थी। शादी के बाद इनके घर पर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया, जिनका नाम फतेह रंधावा रखा गया। घर में बेटे के आने के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। पर कुछ समय बाद ही विंदु और इनके बीच रिश्ते बिगड़ने लगे, तो इन दोनों ने तलाक लेकर अलग होने का फैसला किया और बाद में इन्होंने अभिनेता सुमित सहगल से शादी कर ली। उनसे शादी करने के बाद इन्होंने अपना करियर दोबारा शुरू किया और फिल्म हलचल में काम किया, पर इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई और इनकी इस फिल्म के बाद इन्होंने शिखर फिल्म में भी काम किया था, पर अफसोस इस फिल्म ने भी इन्हें कोई खास पहचान नहीं दिलाई। इससे हताश होकर इन्होंने अब अपने करियर को पूरी तरह से विराम दे दिया है और अपने पति के साथ अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गई हैं। आपको बता दें कि आज इन्हें इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और इन बीते सालों में ये काफी बदल चुकी हैं। ये आज 51 साल की हो गई हैं और पहले जितनी खूबसूरत भी नहीं दिखती, साथ ही ये आज पहले से काफी ज्यादा मोटी भी हो गई हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। आज भी इन्होंने अपने करियर को विराम दिया हुआ है और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं। साथ ही इनका बॉलीवुड में दोबारा वापसी करने का कोई इरादा भी नहीं है, जहां इन्हें किसी भी इवेंट या पार्टी में भी नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन्हें बॉलीवुड में दोबारा कमबैक करना चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।